तो हेलो गाइज, हम लोग देखेंगे आज कैम प्रोफाइल बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि प्रोफाइल ऑफ ए कैम बनाना है ऑपरेटिंग अ नाइफ एज फॉलोअर व्हेन एक्सिस ऑफ फॉलोअर इज नॉट पासिंग थ्रू दी एक्सिस ऑफ कैम बट इज ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट। तो यहाँ पे हम लोग जो बनाएंगे कैम प्रोफाइल वो ऑफसेट सर्कल वाला बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। फॉलोअर क्या करेगा, वो 40 mm मूव करेगा 60 डिग्री के लिए आउटवर्ड, आउट स्ट्रोक होगा, फिर ड्वेल होगा 45 डिग्री के लिए, फिर रिटर्न करेगा ओरिजिनल पोजीशन पे वो 90 डिग्री के लिए, ठीक है। और बाकी का जो सारा रेस्ट होगा कैम रोटेशन का वो ड्वेल ही होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा फॉलोअर का वो SHM से होगा और लीस्ट रेडियस जो कैम का है वो 50 mm, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पर में एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमको कुछ वैल्यू चाहिए होती है, इससे लेने पड़ेगा हमको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले स्केल लेंगे, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस पे या इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर जो है वो 15 डिग्री लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 150 लिखा गया गलती से, तो 15 डिग्री है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 15 डिग्री लेंगे, तो एक्स सेंटीमीटर एक्स में एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो है वो 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होगा ग्राफ में। तो जो टोटल लेंथ होगा आउट स्ट्रोक क्या वो कितना होगा, वो 60 डिग्री टोटल है मेरा मूव कर रहा है, तो और 1 सेंटीमीटर 15 डिग्री है, तो टोटल 4 सेंटीमीटर ग्राफ पेपर पे लेंथ होगा आउट स्ट्रोक का। उसी तरह से ड्वेल का होगा 45/15, दैट इज 3 सेंटीमीटर। रिटर्न का होगा 90/15, ठीक है, 90 डिग्री/15, सो 6 सेंटीमीटर। ओके, तो टोटल लेंथ जो होगा रेक्टेंगल का वो कितना हो जाएगा, 4 + 3 + 6, 13 सेंटीमीटर, और जो हाइट होगा वो दिया हुआ है 40 mm, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग। ओके, फटाफट रेक्टेंगल बन गया। अब क्या करना होता है कि रेक्टेंगल बनाने के बाद क्या होता है कि ये 13 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर है, अब क्या करना पड़ता है कि आउट स्ट्रोक को और रिटर्न स्ट्रोक को हमको इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन में बांटना पड़ेगा, लेकिन वो इवन नंबर ऑफ डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, या तो दो पार्ट या फिर चार या छह। तो यहाँ पे हम लोग चार चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चार पार्ट में आउट स्ट्रोक को डिवाइड करेंगे, जो कि 4 सेंटीमीटर था ग्राफ पेपर पे, उसको हम चार पार्ट में डिवाइड करें, मतलब 1 1 सेंटीमीटर हो गया, और जो 6 सेंटीमीटर था मेरा रिटर्न स्ट्रोक उसको भी चार पार्ट में करते हैं, मतलब 1.5 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है, इक्वल नंबर। ये जब डिवीजन हो गया, आप क्या करते हैं, चूंकि ये SHM पे मूव कर रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सर्कल बनाना, सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा इसके रेडियस के, इसके हाफ रेडियस के बराबर, ठीक है। तो मैंने एक सेमी सर्कल बनाया और इस सेमी सर्कल को भी इक्वल नंबर ऑफ में ही डिवाइड करना है जितने में इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड करना है चार पार्ट में, जितने पार्ट में सबको डिवाइड किया। अब क्या करना है, इससे फर्स्ट जो डिवीजन था उस पर फर्स्ट वाले लाइन से लाइन देना है, ठीक है। तो इस पे जो इंटरसेक्ट करेगा ये एक पॉइंट होगा, उसी तरह से सेकेंड वाला सेकेंड वाले लाइन पे, थर्ड वाला थर्ड लाइन पे, और फोर्थ वाला फोर्थ लाइन पे डिवाइड करेगा। उसी तरह से इसका जो फर्स्ट था ये इसके फर्स्ट पे डिवाइड करेगा, ये फर्स्ट इसका है, ठीक है। तो और इसको पॉइंट कर सकते हैं ABCD, और तो मैंने इसको आगे बढ़ाया और ये इसको इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है, ये लाइन इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये लाइन इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये लाइन इसको यहाँ पे। तो अब क्या करना है, जब इतना कर लेना है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हाथ से मतलब रफ डायग्राम, फ्री हैंड से क्या करना है, कर्व बनाना है जो कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होगा। तो मैंने फ्री हैंड से एक डायग्राम या कर्व खींच लिया और यही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब हमको बनाना है प्रोफाइल, कैम प्रोफाइल, ठीक है। कैम प्रोफाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो बेस सर्कल का दिया हुआ था वो 50 सेंटीमीटर था, तो बेस सर्कल खींचेंगे। बेस सर्कल खींचने के बाद ऑफसेट सर्कल खींचना है, और ऑफसेट सर्कल क्या है, तो ऑफसेट सर्कल 20 mm का था, तो 20 mm का ऑफसेट सर्कल खींच दिया, ठीक है। ये ऑफसेट सर्कल है और ये बेस सर्कल है, ठीक है। तो यहां से इतना सा ऑफसेट है, तो जो नाइफ एज फॉलोअर होगा वो इस पे जब इसके परपेंडिकुलर यहां से स्टार्ट होगा, ना कि अगर ऑफसेट नहीं होता तो वो इस लाइन से डायरेक्ट यहां से स्टार्ट होता फॉलोअर। तो अब चूंकि 20 सेंटीमीटर 20 mm का ऑफसेट है, तो ये भी यहां से फॉलोअर स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये और इसके बेस सर्कल के ऑफसेट सर्कल के सेंटर से जो लाइन होगा वो रेफरेंस लाइन होगा, जहां से हम एंगल मेजर करेंगे, और एंगल जो मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है, इसी से करेंगे। तो आउट स्ट्रोक में 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री यहां से मेजर करेंगे, ठीक है, और उसको इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे चार पे था तो चार डिवीजन करेंगे, और इक्वल नंबर पे करके चार डिवीजन इस सर्कल को, बेस सर्कल को डिवाइड करके। अब क्या करना है, बे ऑफसेट सर्कल पे हम लोग
टेंजेंट करेंगे, ठीक है, ऑफसेट सर्कल पे टेंजेंट होना चाहिए, तो ऑफसेट सर्कल पे ये टेंजेंट है। उसी तरह से रिटर्न स्ट्रोक में भी हम लोग सिमिलरली करेंगे, रिटर्न स्ट्रोक में भी चार पार्ट था, तो उसको भी हम डोएल के बाद, यहाँ पे डोएल 45 डिग्री है तो 45 डिग्री डोएल हो गया, फिर यहाँ से जो 90 डिग्री था टोटल मेरा रिटर्न स्ट्रोक, उसको हम लोग फिर डिवाइड करेंगे चार पार्ट में, और उसके बाद फिर टेंजेंट ऑफसेट सर्कल पे खींचेंगे। अब जब टेंजेंट खींच लिए तो अब आपको क्या करना होता है कि ये जो डिस्टेंस है 1 to A, 2 to B, 3 to C, 4 to D, ये जो पॉइंट है बेस सर्कल पे, ये वही पॉइंट है 0, 1, 2, 3, 4, ये फॉलोअर 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये 4, ओके, फिर यहाँ 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ओके, ये 9, ओके। तो अब क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है 1 to A, 2 to B, तो मेजर करके जो भी पॉइंट होगा वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जहां पे भी होगा वो तुम मार्क कर लो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रफली मार्क कर रहा हूँ, ओके, मेजर नहीं किया हूँ तो रफली मार्क किया, ओके, और जब मार्क हो जाए तो फिर क्या करना, फ्री हैंड से उसको भी ज्वाइन कर लो, ओके, उसको भी ज्वाइन कर लो फ्री हैंड से, और ये तुम्हारा जो फ्री हैंड से ज्वाइन किया यही तुम्हारा कैम प्रोफाइल हो गया, ठीक है, हैंड राइटिंग के लिए माफ करना, कैम प्रोफाइल, सो सॉरी, सो दिस इज कैम प्रोफाइल, तो इसी तरह से इस तरह से बन गया, थैंक यू सो मच।